हेलो दोस्तों दोस्तों टाइटल देखकर तो आप समझ ही गए होंगे मैं किसकी बात करने वाला हूं। जी हां दोस्तों, दिलीप कुमार साहब की बात कर रहा हूं। दिलीप कुमार साहब ने अपनी एक किताब में कुछ एक ऐसी घटना का जिक्र किया है जिसको सुनकर आप भी चौंक जाएंगे। तो आइए चलते हैं वीडियो की तरफ। दोस्तों, दिलीप कुमार साहब ने एक किताब लिखी थी, द सब्सटेंस एंड द शेडो। जी हां दोस्तों, इस किताब का एक मज़ेदार किस्सा है जो दिलीप कुमार ने अपनी ज़ुबानी कहा है। जिंदगी के तमाम उतार चढ़ाव वाली कहानी के बीच इन पन्नों में एक वाक्या ये भी दर्ज किया गया था। दिलीप साहब ने एक दफ़ा भूत देख लिया था और उनकी हालत ख़राब हो गई थी। ये किस्सा फिल्म कोहिनूर के शूट के दौरान का है। मशहूर निर्देशक SU सनी ने अपनी इस फिल्म में दिलीप कुमार को साइन किया था। आउटडोर शूट होना था और लोकेशन फाइनल करनी थी। बस फिर क्या था, एक दिन शाम को लोकेशन की तलाश में दिलीप कुमार SU सनी और कैमरामैन के साथ कार से नासिक की तरफ निकल पड़े। SU सनी की पत्नी ने साथ में चलने की जिद की, लेकिन कार में जगह कम होने की वजह से सनी ने उन्हें इनकार कर दिया। दिलीप साहब इस बारे में लिखते हैं कि निर्देशक SU सनी की पत्नी एक रहस्यमय महिला थी। वह थोड़ा जादू टोना करती थी जिसके बारे में सिर्फ सनी को पता था। इस बारे में उन्होंने दिलीप साहब और कैमरामैन से जिक्र भी नहीं किया था। गाड़ी अभी मुंबई से कुछ 100 किलोमीटर दूर ही गई थी कि अचानक मौसम बिगड़ने लगा। रात के अंधेरे में कुछ साफ नजर नहीं आ रहा था, बिजली जोर से गरज रही थी। फैसला किया गया कि यहीं पास में रुकने का ठिकाना ढूंढते हैं और जब मौसम साफ हो जाएगा तब आगे का सफर तय किया जाएगा। तभी बिजली जोर से चमकी और दिलीप कुमार की नज़र सामने एक टूटी फूटी झोपड़ी पर पड़ी। दिलीप कुमार, कैमरामैन और SU सनी वहां उतरे और शेड में जाकर रुकने की जगह तलाश करने लगे। शेड में लकड़ियों का एक गट्ठर पड़ा था और टूटी बेंच थी। दरवाजे पर बोरी का पर्दा टंगा था जो तेज हवा में आवाज करते हुए उड़ रहा था। थोड़ी दूर पर बाहर झाड़ियों के पास एक खूंटे में बकरी बंधी थी। बकरी लालसी भरी नजरों से उन तीनों को देख रही थी और शायद सोच रही होगी कि उसे भी इस तेज बारिश और आंधी से वे तीनों बचाकर अपने साथ शेड में लेके जाएं। दिलीप कुमार साहब उस टूटी बेंच पर लेट गए जबकि SU सनी बकरी को अंदर लाने चल दिए। लेकिन जैसे ही वह झाड़ियों की तरफ बढ़े तभी तेज हवा से दरवाजे पर लटका बोरी का पर्दा एक तरफ उड़ गया और सामने दरवाजे पर थी गुस्से से लाल धधकती हुई SU सनी की पत्नी, जो एकटक उन्हें घूर रही थी जबकि वह अपनी पत्नी को मुंबई में ही छोड़ आए थे। डर के मारे दिलीप कुमार, SU सनी और कैमरामैन का बुरा हाल हो गया। कैमरामैन थरथर कांप रहा था तो वहीं दिलीप कुमार के होश उड़े थे। बहुत दिनों तक दिलीप कुमार ने इस बारे में किसी से बात तक नहीं की। काफी समय बाद उन्होंने अपनी किताब में इस कहानी का जिक्र किया और तब ये लोगों को पता चला इस कहानी का। तो दोस्तों, दिलीप कुमार साहब की ये कहानी आपको कैसी लगी? ये सच्ची कहानी उन्होंने अपने बुक में लिखी है। अगर ये कहानी आपको पसंद आई हो तो प्लीज कमेंट जरूर कीजिए। तो दोस्तों, ये किस्सा सुनकर दिलीप कुमार साहब का आपको कैसा लगा वीडियो में ज़रूर बताइए कमेंट करके। और प्लीज़ अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।